बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी? आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू और ऑयल चाहिए मुझे 1 कप, मोंगरे, मटर, गाजर, गोभी, मेथी और 2 प्याज मैंने छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने काट लिए हैं बारीक, टमाटर, हरी मिर्च। टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने एक ही लिया है, अगर आपके छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 ले लें। और 5 से 6 हरी मिर्च, हल्दी मुझे चाहिए 1 चम्मच, सुरख मिर्च पिसी 1 चम्मच, नमक हसबे जायका। ये गोभी में बाकी की सब्ज़ी जो सी है, मटर और मोंगरे, गाजर, ये मैं डाल के तो इसे धो के तो रख लेती हूँ ताकि ये उतनी देर तक खुश्क हो जाए। आलू में मैंने पानी डाल दिया और मेथी मैं एंड में आके धोऊंगी। सब्जी जो है वो मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, इसकी में मैं ऑयल डाल देती हूँ 1 कप, और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज काट के तो वो डाल देती हूँ। जब तक इसका कलर चेंज होता है मैं उतनी देर तक टमाटर और हरी मिर्च बारीक काट लेती हूँ जी। जी प्याज हो रहा है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर जो मैंने काट के रख लिया है और हरी मिर्च परी कटी हुई। बिस्मिल्लाह, टमाटर डाल दिया मैंने और हरी मिर्च। लहसुन अदरक मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि उसका टेस्ट सब्जी का डिफरेंट होता है थोड़ा टेस्ट, तो आप ज़रूर ऐसे ही बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। हल्दी 1 चम्मच, सुरख मिर्च पिसी ये भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है और नमक हसबे जायका। सब्जियों को मैंने धो के रख लिया, वो मसाला भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी सब्जियां। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधी प्याली मैंने पानी इसमें डाला है ताकि मसाला जो है वो गल भी जाए और जगजाँ हो जाए। आंच थोड़ी हल्की कर दूंगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, टमाटर भी गल गए हैं इसमें, अब मैं इसमें सब्जी डालूंगी। जी बिस्मिल्लाह, आधा मिनट धो के और इसमें पानी डाल के रख दिया था। मैं सब्जी भी इसके साथ ही डाल दूंगी। मेथी मैं अभी नहीं डाल रही, इसमें सिर्फ बाकी की सब्जी जो सी है वो मैं डाल रही हूँ।
एक मटका इसमें चम्मच अच्छे से मिक्स करके इसको सब्जियों को सबको मिक्स कर देते हैं। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि सब्जियों का अपना ही पानी होता है, उसमें ही ये गल जाएंगी सब्जियां। और मेथी भी मैंने अभी नहीं डाली। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढाक के पकने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे। पक रही है, ये देखें मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला था और सब्जी ने अपना ही पानी छोड़ दिया। ये देखें इसमें ही सब्जी ने गल जाना है और ये बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इससे मजीद लगेंगे पकने में। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, सब्जी बिल्कुल तैयार है। जबरदस्त। जब बिल्कुल तैयार हो जाए सब्जी हमारी, तो उस वक्त मैंने मेथी मैंने धो के रख ली थी। अब मैं मेथी इसमें डालूंगी, थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, वो भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने ये मैं अब डालूंगी। अगर मैं पहले डाल देती मेथी तो वो पक के उसका कलर खराब हो जाना था। इस तरह ये हरी हरी रहेगी ऊपर ना मेथी। सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे मैं ढांपे बगैर इसको ना पकाऊंगी इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जियों की, माशाल्लाह जबरदस्त। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे तो मेथी तो जल्दी पक जाती है। देखिए हो गई है तैयार। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। सर्दियों की ये खसूसियत है कि इसमें सब्जियां बड़ी कलरफुल होती हैं। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं और इसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आप अपना खुद भी सब्जियां खाया करें, जो नहीं शौकीन वो भी खाया करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसके बड़े फायदे भी हैं और ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, गजाइयत से भरपूर सब्जियां ये जरूर खाएं। बिस्मिल्लाह। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ, तंदूर की रोटी हो और चोपड़ी हो मक्खन के साथ, वाह ज़बरदस्त इसका मज़ा आ जाएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा इसका। जी सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह देखें आप। और जो हमारे रेगुलर देखने वाले व्यूवर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं। फरीदा माजिद साहिबा और कमल लुकमान साहिबा, इनका भी बहुत शुक्रिया।
और मेरी अम्मी बीमार हैं, उनके लिए उन्हें खास अपनी दुआओं में याद रखें। दुआ की दरख्वास्त है आप सबके लिए कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता करे। आमीन।